Thank you अस्सलाम वालेकुम जी आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अच्छा मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी कि अफोर्डेबल सन ब्लॉक्स का रिव्यू कर दें सो सोयर आई एम जितनी मैंने अफोर्डेबल सन ब्लॉक्स यूज की हैं सबका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ और इसी वीडियो में आई हैव अ गिव अवे अनाउंसमेंट अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया सो वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी एंड आई एम अ वेरी स्मॉल चैनल और आपकी सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है सो प्लीज लाइक माई वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो अच्छा जी जो फर्स्ट सन ब्लॉक मैं रिव्यू करने लगी हूँ दैट वाज मोस्ट रिक्वेस्टेड और आई गेस सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी यही है अच्छा जी दिस इज नेक्स्ट ऑन का सन ब्लॉक वाइटनिंग लोशन ऑयल फ्री नॉन ग्रेसिव वाटर प्रूफ ए बी एफ फिफ्टी प्लस ए प्रोटेक्शन और उसके साथ मैं ट्वेंटी फोर आवर्स अल्ट्रा हाइड्रेशन अच्छा जी क्वांटिटी है इसकी हंड्रेड एंड थर्टी फाइव एम एल क्योंकि मैंने छोटी बॉटल मंगवाई थी एंड प्राइस इज टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स रुपीज अच्छा जी बैक पे इसके डायरेक्शन और इसकी इनग्रीडियंट लिस्ट है अच्छा इन्ग्रीडियंट लिस्ट पे अगर आप नजर डालो तो इट इज अ हाइब्रिड सनस्क्रीन

कि ये आपको कोई वाइट कास्ट भी नहीं दे रही सो दैट मीन इसके अंदर इना फिजिकल सनस्क्रीन फिल्टर्स मौजूद नहीं है क्योंकि ये पाउडर जो है आपकी स्किन के अंदर भी अब्जॉर्ब नहीं होता अच्छा जब इसको अप्लाई कर दो तो आप तो ये मैट ट्राई हो जाती है और पाउडर आपकी स्किन पे इसी तरह रह जाता है एंड दैट लुक्स वेरी डिस्टर्बिंग और इस जो सनस्क्रीन का फॉर्मूला है दैट इज वेरी ड्राइंग मतलब आपको प्रॉपर अपनी स्किन खिंची खिंची से फील होती है एंड इवन आफ्टर अब्जॉर्बिंग यू कैन स्टिल सी द पार्टिकल्स ऑन माई स्किन एंड दैट लुक्स वेरी डिस्टर्बिंग okay, now my final reviews about the product. the positive point definitely are it is very affordable, it is very lightweight. And the negative point, definitely is that particles, absorb skin absorbing. skin physical sunscreen is not enough. or it price point. Is, i don't think there are enough chemical filters. Okay, so i use i can say that i didn't enjoy this product at all. and i don't think it gives you enough protection from sun. so i don't recommend this sunscreen at all. i know coffee is a is होंगे लेकिन अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और काम नहीं कर रही सो द पॉइंट ऑफ वर्चे सेकेंड अफोर्बल सन ब्लॉक जिसका मैं रिव्यू करने लगी हूँ एंड मैशिंग और इस सन ब्लॉक के रिव्यू की भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट इनफैक्ट इसका सेपरेट डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है सो हेर इज माई क्विक रिव्यू दिस इज रिवाज यूके का सन ब्लॉक व्हाइटनिंग एंड वैनिशिंग वॉटर रेजिस्टेंट है एंटी डार्क स्पॉट है एंटी डार्कनिंग है एस पी एफ प्लस 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 और इसकी क्वॉंटिटी है हंड्रेड एम बैक पे इसके इनग्रीडियंट्स और डायरेक्शन है एंड इट ऑल्सो हाइब्रिड सनस्क्रीन मतलब केमिकल प्लस फिजिक अच्छा प्राइस की बात करें तो आई का ऑर्डर का मिल रहा है एंडिस्टेंसी अच्छा की ये बात करें तो उसका टेक्स्टर क्रीमी है इजीली अपलाई हो जाता है बट इट डेव व्हाइट एंड इट डील ग्रेसी ऑन योर स्किन इसका ऑयल कॉन्टेंट काफी ज्यादा है इवन अगर आप इसको शेक किए बगैर अपलाई करोगे तो इसका ऑयल और इसका जो क्रीमी पोर्शन है आपको सेपरेट नजर आएंगे अपलाई करते हुए आपको व्हाइट कास्ट काफी ज्यादा लगेगी लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स इसकी जो व्हाइट कास्ट है काफी ज्यादा टेम डाउन हो जाता है कि इट इज वेरी अफोर्डेबल येट इट इज वेरी इफेक्टिव आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है मे बी इसके अंदर कोकोनट ऑयल एड किया गया है एंड दैट इज वेरी कम्यूडोजन और जब मैं इसको स्किन पे अप्लाई करती हूँ तो माई स्किन फील सफोकेटेड माई पोर्स फील सफोकेटेड और बाय द एंड ऑफ द डे मेरी स्किन पे छोटे 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 बम्प आ जाते हैं सो so, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपकी स्किन एक् प्रोन नहीं है आपको ब्लैक

ट्यूब में मिलेगा एंड यू कैन सी ट्यूब इज टाइनी फॉर इवन सिक्स हंड्रेड रुपीज और ये ही ट्यूब अब आपको थाउजेंड रुपीज की मिल रही है अच्छा this sunblock was highly recommended by the dermatologist. अच्छा अगर इसके की बात करें तो एज इट इट्स फॉर ऑयली स्किन अच्छा स्टिल इट फील टू ग्रीसी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है एंड आई कैन इजिली यूज इट और अगर आपको ग्रीसी फील भी करे तो यू कैन डस्ट इट ऑफ विद आई डू अच्छा आपको देखने में लग रहा होगा कि इसकी वाइट कास्ट है लेकिन ये स्किन में बिल्कुल अब्जॉर्व हो जाता है ऐसा इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं है अच्छा ऑन एप्लीकेशन इट फील टू लाइक का सन ब्लॉक अच्छा इसकी एप्लीकेशन के बाद मुझे कोई ऐसा च कोई ऐसा एक्ने का का बम्पी स्किन इशू नहीं हुआ सो यू कैन से इट सेफ फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप अच्छा मेरी ऑयली स्किन है और मैं इसको आराम से यूज कर सकती हूँ लेकिन पाकिस्तान का एनवायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है सो मे बी वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है अबाउट माई फाइनल रिव्यूज बहुत अच्छा सन ब्लॉक है सब स्किन टाइप्स के लिए बहुत बेस्ट एक्सेप्ट फॉर वेरी ऑयली स्किन एक जो डाउन साइड है इट इज नॉट अफोर्डेबल एनी मोर ट्वेंटी बहुत कम क्वान्टिटी है आपका कुछ दिन भी नहीं काम करेगा ये अदर देन दैट इट्स अ गुड सन ब्लॉक लेकिन इसी प्राइस रेंज में आपको इससे बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स मिल जाएंगे अच्छा जी नाउ वी गोइंग टू गोन् नेक्स्ट अफोर्डेबल सनस्क्रीन जो कि है डॉक्टर राशिल का एलोवेरा सूदिंग एंड मॉइस्चर सन क्रीम एस पी एफ फिफ्टी प्लस है वाटर रेजिस्टेंट है यूवी ए यू वी बी दोनों से आपको प्रोटेक्ट करता है इस सन ब्लॉक के ऊपर

स्किन वेरी ड्यूई एंड वेरी ग्लो यहाँ मेरे हाथ पे आपको थोड़ी सी ये लाइट लग रही होगी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इसने मेरे हाथ को ग्रे किया है क्योंकि मेरे हाथों पे ऑलरेडी इसका सन टैन हुआ हुआ है अदर देन दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन योर स्किन और सन प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है आप इसको पानी स्प्रे करोगे ना तो पानी रुकेगा नहीं, आपकी से बहना स्टार्ट हो जाएगा सो माई फाइनल रिव्यूज अबाउटक्ट पॉजिटिव पॉइंट अफोर्डेबल येट इट इज वेरी इफेक्टिव स्पेशली सुटेबल फॉर ऑयली स्किन क्योंकि इसकी मैट फिनिश है ऑल्सो इसके इन्ग्रीडियंट लिस्ट में बहुत अच्छे एक्टिव भी एड किए गए हैं मॉइस्चुराइजिंग भी ब्राइटनिंग भी और सुदिंग भी ऑल्सो इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द स्किन सिर्फ एक डाउन साइड ये है कि इसके अंदर जो टेंट है आई गेस uh, उसकी वजह से दैट इज नॉट सूटेबल फॉर डार्क स्किन टोन पीपल डार्क स्किन वाले लोगों को ये ग्रे ग्रे सा दिखाएगी सो आई विल नॉट रिकमेंड दैट फॉर डार्क स्किन टोन्स अदर देन दैट इट्स अ वेरी गुड सन ब्लॉक मेरी तरफ से रिकमेंडेड ओके okay, जी नेक्स्ट आई हैव है कुरियन सन ब्लॉक बियोरे यूरिज एस फिफ्टी पी ए प्लस 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 अच्छा इट इज अ केमिकल सनस्क्रीन अच्छा जब मैंने इसको लिया था तो इट वॉज फॉर सिक्सटीन हंड्रेड समथिंग एंड नाउ द प्राइस हैज डबल इट हैज मूव टू

वेरी वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन एंड इट इज अ ट्रीट फॉर पीपल जिनको सनस्क्रीन जो है वो इसलिए नहीं लगाते की उसकी वाइट कास्ट होती है या वो हैवी फील करती है स्किन पे एक जो डाउन साइड इसका जो नेगेटिव पॉइंट हैल्कोहल बट आई गेस मोस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट सभी में alcohol होता है सेकेंड डाउन साइड ये है कि इसमें भी थोड़ी सी अल्कोहल सॉर्ट ऑफ स्मेल फील होती है अदर देन दैट वेरी गुड सन ब्लॉक हाईली रिकमेंडेड उसके साथ नेक्स्ट अफोर्डेबल सन ब्लॉक जो की आई गेस थ्री हंड्रेड रुपीज की रेंज में थी दैट इज अदर केयर सन ब्लॉक लोशन अच्छा जी एस पी एफ थर्टी है यू वी ए प्लस यू वी बी प्रोटेक्शन अच्छा मैंने इसको परचेज किया था ना तो आई थॉट इट्स एंड आई अब इट फॉर माई किड्स की कोई अफोर्डेबल चीज जो है वो ट्राई करके देखते है फॉर किड्स सो माई क्विक रिव्यूज अबाउट द प्रोडक्ट सो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इट इज एस पी एफ थर्टी सो इट डोंट गिव यू इन नफ सन प्रोटेक्शन स्पेशली फॉर किड्स क्योंकि सारा दिन तो बच्चे जो है वो धूप में और गर्मी में खेलते रहते हैं सो इट्स नॉट फॉर किड्स जो सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्मेल है ऐसे लगता है आपने जॉनसन बेबी पाउडर जो है वो अपने फेस पे लगा लिया है इट इज हाईली हाईली और बहुत तेज जो है वो चुभने वाली स्मेल है एंड दैट वाज मोर कंसर्निंग फॉर मी क्योंकि मेरी एक्सीमा प्रोन है बेटी की स्किन सो so मैं उसके लिए फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करती हूँ अदर देन दैट पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसका टेक्स्चर बड़ा क्रीमी सा है ईजिली अप्लाई हो जाता है वाइट कास्ट कोई नहीं है ग्रीसी नहीं है बट आई डोंट थिंक इट गिव्स यू इनफ सन प्रोटेक्शन और इसकी जो फ्रेगरेंस है

ग्राम की पोस्ट में भी और अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी मेंशन किए हुए हैं सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो आई होप यू लाइक इट आई होप इट वाज हेल्पफुल इफ इट वाज प्लीज की वीडियो थम्स अप और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज